अस्सलाम वालेकुम, आज हम मल्टी गार्डन B17 के ई ब्लॉक में इस टाइम खड़े हैं, जहाँ पे हमारे पास आज 30-60 का एक घर है जो बिल्कुल नया बना हुआ है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ है। ये डबल यूनिट घर तैयार है, नीचे मतलब कि नीचे सेपरेट फैमिली, ऊपर सेपरेट फैमिली रह सकती है। हमें भी इंटर होंगे इसके टीवी लाउंज से, जिसको आप अभी तो ओपन टीवी लाउंज है, मगर आप इसको खुद भी अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। इस पूरे घर में बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन हुई हुई है और लाइटिंग बहुत प्यारी हुई है। सबसे पहले हम ये किचन में जाएंगे, नीचे फर्स्ट फ्लोर का किचन है। ये एक क्लोज किचन है और अच्छा इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम हुआ है ताकि हीट बाहर ना आए। अभी हम एंटर होंगे फर्स्ट बेडरूम में, बिल्कुल खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ ये बेडरूम तैयार हुआ है। बिल्कुल साथ इसके वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है, वेंटिलेशन का एरिया और साथ इसके कवर्स वगैरह बने हुए। सेकेंड फ्लोर में जाएंगे तो इसमें भी सेम खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ ये रूम रेडी है, साथ कबर्ड्स और वॉशरूम, और इसी से साथ पीछे बैक साइड की गैलरी का रास्ता जाता है। गैलरी भी एक अच्छे साइज की बनी हुई है ताकि वेंटिलेशन में कोई भी इशू ना आए। ये ग्राउंड फ्लोर पे इसके दो बेडरूम्स और एक टीवी लाउंज एरिया, बाकी अगर हम ऊपर जाना चाहें तो ऊपर जाने का रास्ता बार कार पोर्च से है। सेकेंड फ्लोर में एंटर होते साथ ही राइट साइड पे बेल्कनी है, बेल्कनी एरिया, और ये बहुत बड़ी बेल्कनी एरिया बना हुआ है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और बिल्कुल साथ राइट साइड पे ये एक रूम है जिसमें बहुत प्यारी खिड़की एल्युमिनियम की रेडी हुई है और इससे आप अच्छा व्यू ले सकते हैं। अटैच वॉशरूम के साथ ये टीवी लाउंज, इसके सामने दो बेडरूम्स हैं और लेफ्ट साइड पे एक किचन रेडी है। हर रूम में एक बहुत प्यारी सीलिंग डिजाइन हुआ है और हर डिजाइन अलग अलग है हर रूम में। इस तरह इस बेडरूम में चले जाएं, इसमें सिर्फ यही दूसरे से चेंज है कि इसमें पीछे गैलरी का रास्ता है, सेकंड फ्लोर की गैलरी का रास्ता है। हर रूम के साथ कबर्ड्स रेडी हुई हुई हैं, तैयार होकर साथ लगी हुई हैं। उसमें यह है कि आपको अपने सामान वगैरह रखने में कोई इशू नहीं होगा और ये ऐसा किचन है जो रेडी है। अगर ऊपर हम चले जाएं रूफ की तरफ तो ऊपर एक बिल्कुल कंप्लीट सर्वेंट क्वार्टर रेडी है, जो रूम प्लस अटैच वॉशरूम है और बिल्कुल स्मॉल एरिया भी नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया। अगर आप सर्वेंट क्वार्टर बनाना चाहें तो सर्वेंट क्वार्टर बना सकते हैं, अगर स्टोर रूम बनाना चाहें तो इसको आप एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इस घर की असल वैल्यू ये घर नहीं है, इसका व्यू है जो इसकी छत से आता है मारगला हिल्स का। बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से मारगला हिल्स का, क्योंकि अभी तो वैसे ये ग्रीन नहीं हुई, मगर जब ये फरवरी अप्रैल के महीने में ग्रीन होती हैं ये पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। इस घर की प्राइसिंग के लिए और कंप्लीट डिटेल जो आपको इस घर के बारे में चाहिए या फ्लोर प्लान चाहिए, उसके लिए आप जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं उस पर रब्ता करें, आपको तमाम डिटेल्स इस घर की दे दी जाएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।